नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं, मेरे ठीक पीछे नेट्स में आप देखें सुनील जोशी हैं, टीम इंडिया के पूर्व टेस्ट गेंदबाज। 90 के दशक में, 2000 के दशक में इन्होंने क्रिकेट खेली काफ़ी, और इसमें चयनकर्ता हैं, और यहां पर हरप्रीत ब्रार जो नेट्स बॉलर हैं उनको समझा रहे हैं। लेकिन जो अहम बात मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ, वहाँ पर हालांकि दूरी है लेकिन यहाँ पर रविंद्र जडेजा और दीपक हुडा और डीके, ये तीनों बैटिंग कर रहे हैं और क्या हीटिंग देखने को मिल रही है, सिर्फ छक्के छक्के। मैं यहाँ पर अब कई बार अपना सर बचाना पड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि आप लोग को दिखाऊँ। एकदम सीधा नज़ारा है, कई बार गेंद अभी शायद बात करते करते आ जाएगा। लेकिन जब आप देखते हैं नॉर्मल, अगर आप इंडिया के डेथ ओवर्स में इंडिया को परेशानी होती थी कि फिनिशर कौन होगा, लेकिन अब देखिए रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या एंड दिनेश कार्तिक, ये तीन नाम आप देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये तीन को घसब के फिनिशर हैं। उसके अलावा दो खिलाड़ियों की तो अभी हमने बात ही नहीं की जो रेगुलर प्लेइंग 11 में नहीं आते हैं, ऋषभ पंत और दीपक हुडा। अब अगर आप सोच लीजिए, हो सकता अभी नहीं कुछ दिनों बाद ही अगर आपकी बैटिंग लाइन अप ऐसी हो जाए, ऋषभ पंत, दीपक हुडा, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक, ये पांचों हो तो सोचिए कितने खतरनाक है। तो मैंने यही सवाल रविंद्र जडेजा से पूछा कि अगर वो गेंदबाज हैं तो इस बैटिंग लाइनअप के बारे में क्या सोचते हैं। जडेजा का बड़ा दिलचस्प जवाब। रविंद्र, विमल कुमार दिस साइड, एक सवाल ये, आप अगर बॉलर हैं इंडिया के, यहाँ जब आप बॉलिंग करते हैं इंडियन बैटिंग लाइनअप को जिसमें रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक एज ए फिनिशर हो, उस समय रविंद्र जडेजा बॉलर की स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या उनको डर लगेगा ये बैटिंग लाइनअप देखकर? बिल्कुल, क्योंकि कोई भी टीम के पास इतने ऑप्शंस होते हैं तो वो खुल के ही खेलेंगे, तो ऑब्वियसली प्रेशर तो रहेगा ही। और जैसे हमारा बैटिंग लाइनअप है, हमारे पास सभी ऐसे बैट्समैन हैं जो सभी गेम खेल सकते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा कोई भी टीम के पास बैटिंग लाइनअप है तो जरूर वो प्रेशर तो रहता ही। तो जड्डू बॉलर क्या करेंगे वो नहीं बताया आपने? जड्डू बॉलर तो एक साथ में कैसे खेल डाल सकता है? नहीं, बिल्कुल ही, अगर सामने वाली टीम में ऐसा अगर कोई है तो वो T20 स्पेशली कहाँ कौन से एरियाज पे बैट्समैन खेलता है, कौन सा उसका स्ट्रॉन्ग जोन है और कौन से एंड से डाल रहा हूँ, चाहे आउटफील्ड पड़ा है, तो वो सब चीज दिमाग में रख के बॉल डालने की कोशिश करूँगा। धुआंधार बल्लेबाजी का मतलब होता है स्ट्राइक रेट। जी हाँ, स्ट्राइक रेट का मतलब होता है कि हर 100 गेंद पर आप कितने रन बनाते हैं। इस इंडियन टीम में, खासकर अगर आप इस इंडियन टीम का देखें तो अप्रोच बिल्कुल बदल गया है। इससे कई बार आपको आंकड़े जो है ना, आपको सच्ची फिगर नहीं देते। मसलन अगर आप ऋषभ पंत के स्टैट्स की बात करें, स्ट्राइक रेट की बात करें T20 इंटरनेशनल में, या रविंद्र जडेजा की बात करें, तो ये इनकी जो रेपुटेशन है, हार्ड हिटिंग रेपुटेशन है, उसके साथ मैच नहीं खाती है, क्योंकि दोनों 125 के आसपास का स्ट्राइक रेट है। तो आपको कई बार लगेगा कि यार इनकी इतनी खतरनाक बातें करते हैं लेकिन इतने खतरनाक तो है नहीं। दरअसल ये जो स्ट्राइक रेट है ये शुरुआती दौर का है, जब इंडियन टीम कंजर्वेटिव क्रिकेट खेलती थी वो दौर दूसरा था। तो अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि इनके स्ट्राइक रेट और काफ़ी बेहतरीन होगा। दूसरी ओर, चूंकि जब हमने स्ट्राइक रेट की बात की है, तो भारतीय इतिहास में T20 इंटरनेशनल का स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते किस खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट ज़्यादा होगा, और वो फिनिशर नहीं है, वो मिडिल ऑर्डर में खेलता है, और उसका नाम है सूर्य कुमार यादव। सबसे बेहतरीन उनका स्ट्राइक रेट है, और उनके बाद चौंकाने वाला नाम नहीं है हार्दिक पांड्या, क्योंकि वो शुरू से ही कोई भी रेजिम में हार्दिक पांड्या का अंदाज ये रहा, उल्टे अब वो थोड़े से संभल के खेल रहे हैं, मैच्योरिटी है। तो हार्दिक पांड्या का थोड़ा सा हो सकता है डाउन हुआ होगा, लेकिन स्ट्राइक रेट के मामले में अगर आप देखा जा सकता है कि वही जो मैं बातें कर रहा था, अभी तो दीपक हुडा ने बहुत ज़्यादा मैच नहीं खेले हैं, तो आप अंदाज़ा कीजिए सूर्य कुमार यादव, दीपक हुडा, पंत, पांड्या, जडेजा और डीके, क्या बैटिंग लाइनअप होगी। अभी नहीं होगी फिलहाल, लेकिन ये सारे टीम हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा मौका आया और ये सीधे हो सकता है हांगकांग के खिलाफ जस्ट आजमाने के लिए खिला दिया जाए, तो ज़बरदस्त बैटिंग लाइनअप देखने को मिलेगी। बहरहाल जडेजा की बात खत्म हो गई, और अब हम आपको भारतीय टीम के नेट प्रैक्टिस की कुछ तस्वीरें दिखा दें। आपको बता दें कि आज भी जो है, चूँकि हांगकांग के खिलाफ मैच था, तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, जितने बड़े खिलाड़ी हैं वो आज अभ्यास के लिए आए नहीं। और ये दीपक हुडा का शॉट, आक्रामक शॉट, दीपक हुडा ने आज काफ़ी देर तक बल्लेबाजी की, बड़े बड़े शॉट्स खेलने का अभ्यास किया, पूरी मीडिया की नज़रें टिकी हुई थी दीपक हुडा पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े बड़े शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे दीपक हुडा, और यहाँ पर सुनील जोशी थे मुख्य, सॉरी, चयनकर्ता हैं टीम इंडिया के, और वो आए हुए हैं यहाँ पर। आपको मैंने बताया था देवाशीष मोहंती थे जिम्बाब्वे में, उससे पहले चेतन शर्मा थे इंग्लैंड में। तो एक एक करके हर चयनकर्ता आपको दिखते हैं, और ये नेट पर भी अगर अभ्यास की बात करें तो जितने
युवा गेंदबाज हैं, जो नेट्स वाले गेंदबाज हैं, उनको मौका मिल रहा था। पहले केएल राहुल और ऋषभ पंत ने बैटिंग की थी और उसके बाद डीके आए। डीके ने आज काफ़ी मेहनत की। डीके और हुडा तीसरे और चौथे नंबर पर, दो नेट्स पर उन्होंने बैटिंग की काफ़ी देर तक। ये देखिए डीके का शॉट, और ये चर्चा हो रही है हुडा की गेंदबाजों के साथ। यहाँ पर देखिए आप रवि बिश्नोई अच्छे मूड में थे। बिश्नोई भी ऐसे खेलते हैं जैसे उन्हें कभी कल ही मौका मिल जाएगा। ये देखिए डीके के साथ भागते हुए, डीके और इन्होंने काफ़ी देर डिस्कशन भी किया। डीके उनको अक्सर समझाते हुए क्या करना है। बड़ा ही खूबसूरत मैदान है जैसे आपको मैं बता दूं। ये दीपक चाहर, एक बार फिर से दीपक चाहर ने यहाँ पर छकाया थोड़ा सा दिनेश कार्तिक, और ये देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। भले ही स्टैंड बाय के तौर पे हैं दीपक चाहर, लेकिन उनकी तैयारी ऐसी है कि वो प्लेइंग 11 में खेलने के आएंगे, और वो देख कर बड़ा अच्छा लगता है। ये अश्विन ने अपने साथी, देखे अश्विन को इन्होंने मारा सीधे, ये गेंद एकदम मेरे पास आ रही थी तो इन्होंने रोक दिया। मैं सोचा आ जाती तो मैं पकड़ लेता। यहाँ बाउंड्री लाइन पर सुनील जोशी थे, ये बिश्नोई को फिर मार रहे हैं डीके। खूब उन्होंने बड़े बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास किया। ये हरप्रीत बरार लेफ्ट आर्म स्पिनर, आज दीपक चाहर ने काफ़ी देर तक देखा मैंने कि डीके और दीपक हुडा बात कर रहे थे, खेल रहे थे, तो वो बॉलिंग कोच पारस महाम्बरे के साथ अपनी स्ट्रैटेजी हर गेंद के बाद बताते थे कि मैंने ये फील्ड रखी है, यहाँ पर फील्डर को रखा है और उस हिसाब से मैंने गेंद डाली है। आप देखिए यहाँ पर भी वो इशारा कर रहे हैं कि भाई कहाँ मैंने फील्ड लगाई, ऑफ साइड में इधर रखें फील्डर, ऑन साइड में रखें, उसके बाद वो गेंद डालते हैं। तो मतलब आप जो देखते हैं नेट्स में, ऐसा नहीं है कि वो कोई आए हैं। अगर आप युवा खिलाड़ी हैं तो आप सीख सकते हैं, या युवा कोच हैं तो नेट्स में, टीम इंडिया नेट्स में कैसे अपना एक पैटर्न बनाती है, इसको भी सीरियसली लिया जाता है। देखिए दीपक चाहर जो है जिस तरह से बातें कर रहे हैं, बता रहे थे शॉट्स, इधर बड़ा शॉट्स खेला उन्होंने, और ये जो चीज़ है ये जुदा कर दिया। देखिए कितने देर तक, और मैंने ये तो आपको कुछ देर का शॉट दिखा, करीब मैंने 15-20 मिनट दीपक चाहर को देखा इस तरह से अपने हर ओवर के बाद वो गेंदबाजी करने का। और यहाँ पर फिर से वो अपने बॉलिंग रनअप में, ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह। ये देखिए यहाँ पर दिनेश कार्तिक ने कैसे उनको लेग साइड पर खेलने की कोशिश की, लेकिन बीट हुए। तो ये जानबूझ के एक स्ट्रैटेजी है कि किस तरह से स्लॉग ओवर्स में दीपक चाहर को अगर ऐसी गेंदबाजी करनी हो तो कैसे होगा, डीके जैसा बैट्समैन होगा तो कैसे। यहाँ पर वाइड ऑफ द मार्क इनको, डीके को चैलेंज किया जा रहा है।